हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की फ्रंट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 36 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज यहाँ पर मैं बना रही हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं लंबाई ले ली है। लंबाई हमें जितना हमें ब्लाउज की लंबाई चाहिए उसमें एक इंच प्लस कर हम ले लेंगे। मुझे यहाँ 14 इंच रेडी ब्लाउज की लंबाई चाहिए थी, तो मैंने 15 इंच पर यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई पर, देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाया है और साथ ही आर्महोल के लिए हम 6 या फिर 6.25 इंच पर निशान लगा देंगे। ये 36 इंच चेस्ट के ब्लाउज की मेज़रमेंट है। देखिए, ये 6 इंच हमने शोल्डर का और 6.25 या फिर 6 इंच हम आर्म होल का रखेंगे। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए चेस्ट का चौथा भाग, यानी चेस्ट हमारे 36 इंच है तो चौथा भाग हमारा आएगा 9 इंच। तो चेस्ट के लिए हम 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से चेस्ट का 9 इंच का हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद इस निशान को हम सीधा कर देंगे। चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए हम हमारी कमर का चौथा हिस्सा, हमारी कमर यहाँ पर है 32 इंच, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए, जो 32 इंच का है उसका चौथा भाग हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 32 इंच का चौथा भाग हमारा हो जाता है 8 इंच। तो 8 इंच कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हमने यहाँ पर 8 इंच लगा लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन देंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच तक सिलाई मार्जिन दे सकते हैं। हम प्रिंसेस कट में हम टक्स लगाते हैं तो हम यहाँ 2 इंच का सिलाई मार्जिन भी रख सकते हैं सिलाई मार्जिन। इसके बाद हमने यहाँ पर, देखिए, इसके बाद 1.25 इंच की गोलाई हमने यहाँ पर आर्म होल में दी है। आप 1.25 इंच की गोलाई, यहाँ फ्रंट भाग है तो हम गोलाई कम रखेंगे बैक भाग से, तो हमने 1.25 इंच की गोलाई यहाँ दे दी है। इसके बाद हम जैसे हमने निशान लगाया उस निशान से हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक के लिए यहाँ 3 इंच चौड़ाई पर मैंने निशान लगाया है और ये फ्रंट भाग है तो इसमें नेक की जो लंबाई रहेगी वो 6 इंच हमने ली है। आप चाहें तो आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ राउंड नेक बनाया है। देखिए, इस तरह से गोलाई दे दी है। अब गोलाई देने के बाद हम इसी में से बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए जो आगे वाला, जो नेक के नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ, वो आगे से चौड़ा होता है बेल्ट और पीछे से थोड़ा सकड़ा होता है, तो हम आगे से 3 इंच और पीछे से मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाए हैं। देखिए, इस तरह से फ्रंट भाग से जो नेक का साइड है हमारा, वहाँ से 3 इंच का और पीछे से कमर की साइड से हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया है और इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए बेल्ट का शेप दे दिया है। इसके बाद नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। नेक और बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम टक्स लगाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर 4 टक्स ब्लाउज बना रही हूँ, तो इसके लिए सबसे पहला जो टक्स लगेगा इस तरह से, जो हमारी नेक की साइड है, आगे का फ्रंट का जो नेक है उसके बाद जो हिस्सा हमारा बचा हुआ है उसको आधा कर लेंगे। उसके सेंटर में एक 2 इंच लंबा हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सेंटर किया आधा और वहाँ 2 इंच लंबा एक निशान लगा दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टक्स लगता है और मेन टक्स जो लगता है जिससे हमारी ब्लाउज की फिटिंग आती है वो होता है दोनों शोल्डर को। देखिए, दोनों शोल्डर को इस तरह से बीच में कर उसका सेंटर निकाल लेंगे। उन सेंटर पर यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा एक टक्स लगाएंगे। देखिए, इस तरह से 1 इंच चौड़ा सेंटर में, ये हमारे दोनों जो शोल्डर होते हैं उनके बीच में टक्स लगेगा। 1 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई हम इसकी 3 इंच रखेंगे। देखिए, इस तरह से 1 इंच लंबाई में और चौड़ाई में निशान लगा देंगे। ये हमारा मेन टक्स होता है, इसी से हमारे ब्लाउज की फिटिंग आती है। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ टक्स लगा लिया है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा टक्स लगेगा वो आर्म होल के बीच से लगेगा। जो हमारा आर्म होल होता है, आर्म होल के सेंटर से हम एक टक्स लगाएंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं एक टक्स हमारा कमर के ऊपर से लगा रही हूँ, तो कमर से दो इंच ऊपर और यहाँ से 4 या 4.5 इंच की लंबाई में एक टक्स हम लगाएंगे। देखिए, कमर से हमने 2 इंच ऊपर रखा है और जो लंबाई है हमारे टक्स की, ये सबसे लंबा टक्स होता है और ये लंबाई हमारे टक्स की हो गई है 4 से 4.5 इंच। अब इसके बाद में आर्म होल का जो सेंटर होता है वहाँ से टक्स लगाएंगे और आर्म होल के सेंटर से हम 3 इंच लंबा, देखिए, इस तरह से 3 इंच लंबाई रखेंगे सेंटर की। ये किसी भी साइज़ का ब्लाउज आप बना रहे हो, इन टक्स की जो लंबाई होती है वो इतनी ही रहेगी। ये टक्स की जो भी मेज़रमेंट हमने यहाँ बताया है, या किसी भी चेस्ट साइज़ में यही मेज़रमेंट लगेगा और यही इसी तरह से आपको टक्स लगाने। आप चाहे 2 टक्स लगा रहे हो, 3 टक्स लगा रहे हैं या फिर 4 टक्स का ब्लाउज बना रहे हैं। देखिए, इस तरह से
हमने टक्स लगा लिए हैं और ऐसे ही दूसरे वाले भाग में भी हम यहाँ पर टक्स लगा लेंगे। ये चारों टक्स हमने लगा लिया है। एक हमने इसके बाद हम मेन फैब्रिक का रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। हम बेल्ट की और जो अपर भाग है उसकी अलग अलग कटिंग करेंगे। देखिए मैंने ऊपर वाले भाग की पहले कटिंग कर ली है, अब इसके बाद हम बेल्ट की भी इसी तरह से मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बेल्ट की और अपर पार्ट की दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे ये भाग है ऊपर वाले, इन दोनों को हम अस्तर से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमें जो मेन फैब्रिक है उसको ऊपर रखना है और अस्तर को नीचे रखना है। ये उल्टी वाली साइड है, मेन फैब्रिक का सीधा भाग हम उस तरफ होगा। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसको जोड़ लेंगे और बेल्ट को भी हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। देखिए बेल्ट को जोड़ने का सबसे सही तरीका यही होता है कि हम जो उसकी सीधी वाली साइड है उनको इस तरह से नीचे रखें और जो उनका कर्व वाला हिस्सा होता है, जो हमने गोलाई दी हल्की सी शेप दिया था, उसको वो ऊपर वाली साइड में होना चाहिए। इस तरह से देखिए बेल्ट और जो हमारा ऊपर वाला भाग है उसको दोनों को हमने जोड़ लेना है चारों तरफ से। देखिए दोनों पार्ट को हमने जोड़ लिया है और जो नेक वाला हिस्सा है उसे हम काट कर अलग कर देंगे। नेक को हम अलग कर देंगे। देखिए और हमारे दोनों पार्ट जो हैं हमने रेडी कर लिए हैं। देखिए अब हमने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। अब इसके बाद हमें टक्स लगाना है। बेल्ट लगाने से पहले ही हमें टक्स लगाना होता है। तो देखिए इस तरह से जहाँ हमने निशान लगाए उसको उस पर हम टक्स लगा लेंगे। दोनों ही भाग में हमें टक्स की लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हम जैसे निशान लगाया उसको इस तरह से पकड़कर हमें टक्स लगाना है। जो हमारा मेन बीच का जो सेंटर में जो टक्स है वही बड़ा 1 इंच का टक्स होता है। बाकी सारे टक्स जो लगाएंगे हम वो आधा आधा इंच पर लगाएंगे, उन्हें बड़े टक्स नहीं लगाने हैं। देखिए इस तरह से जो मेन टक्स है हमारा सेंटर वाला उसको हमने लगा लिया है। जैसे आपने निशान लगाए हैं बस उसी तरह से कपड़े को आप पकड़ कर टक्स लगाते जाइए। देखिए अब इसके बाद जो हमारे तीनों टक्स हैं सिर्फ आधा इंच के लगेंगे। इस तरह से देखिए मैंने वीडियो में किस तरह से पकड़ा हुआ है, इसी तरह से आपको कपड़ा रखकर टक्स में सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब इस तरह से अगला टक्स, चारों टक्स में हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर चारों टक्स लगा लिए हैं। दोनों भाग में हमें इसी तरह से टक्स लगा लेने हैं। दोनों भागों में टक्स लगाने के बाद अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट टक्स लगाने के बाद ही हम इसमें बेल्ट अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरह से बेल्ट को हम दोनों भागों को सीधा रखेंगे और बेल्ट को इस तरह से इन पर प्लेस कर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमें उल्टा रखना है बेल्ट को ताकि हम सिलाई लगाएं तो फिर वो सीधा हो जाए। देखिए इस तरह से हम दोनों बेल्ट को इसमें अटैच कर लेंगे। अगर आपको इस ब्लाउज की बैक नेक की डिज़ाइन देखनी है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट अटैच कर लिया है। हमने दोनों भाग में इस तरह से बेल्ट अटैच कर लेना है। बेल्ट अटैच करने के बाद हम यहाँ पर फ्रंट भाग में हुक और हाई की पट्टी लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने हुक, यहाँ ये हमारी हुक की पट्टी है। जो बाहर पट्टी निकली हुई होती है वो हुक की होती है और जो पट्टी हम अंदर फोल्ड साइड करके लगाते हैं वो हमारे हुक की पट्टी होती है। देखिए अब इसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ कपड़ा लिया है। एक आपको सीधे कपड़े की पाइपिंग नहीं लगानी, इस तरह उरेप कपड़े की। आप कपड़े को खींच कर देखिए, अगर वो खिंचा रहा है तो आप उसी कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से पाइपिंग लगाने का सबसे आसान तरीका है, आप इस तरह से कपड़ा रख कर तिरछी निशान लगा लीजिए और फिर तिरछी इस तरह से पट्टियाँ काट लीजिए। उरेप पट्टी हमें यहाँ निकालनी है। देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाकर 1.5 इंच की आप उरेप पट्टी निकाल लीजिए, 1.5 इंच चौड़ाई की। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ उरेप पट्टी निकाल ली। आप इस तरह से खींच कर देखें कपड़े को तो ये आसानी से पुल हो रहा है।
अब पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम पट्टी को एक कॉर्नर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। देखिए एक कॉर्नर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमने एक साइड से इसे फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद जिस साइड से फोल्ड नहीं है पट्टी उसको इस तरह से ऊपर रखेंगे। देखिए फोल्ड की हुई साइड हमने इस साइड रखी है और उसे उल्टा रखना है पट्टी को, हमें इस तरह से रख कर कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। अगर इस तरह से आप पट्टी लगाते हैं तो आपकी जो पाइपिंग होती है वो अच्छी आएगी और जो अंदर से भी फिनिशिंग दिखती है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि अंदर से कपड़ा निकला हुआ रहता है, वैसा इसमें नहीं होगा। देखिए इस तरह से हम यहाँ से और लास्ट में आकर आपको यहाँ पर कपड़ा फोल्ड करना है। कपड़ा अंदर फोल्ड कर कर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह अंदर की साइड हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, या आप चाहें तो नहा भी लगाएं। अगर आप उरेब पट्टी से बना रहे हैं तो आपका गला पलटेगा नहीं। अब इसके बाद हमें जो नीचे वाले भाग हैं उसको ऊपर करना है और जो हमारी पट्टी का जो बाकी हिस्सा है उसको अंदर इस तरह से फोल्ड करते जाना है। देखिए जो नीचे वाले साइड को हमने ऊपर किया ताकि वो अंदर दिखे ना, और जो हमारी पट्टी वाली साइड है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इसके बाद आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए आप पट्टी पर सिलाई ना लगाएं। अगर आप पट्टी पर सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग आपकी चपटी हो जाएगी, आपको कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। अगर आपको पाइपिंग का एक प्रॉपर वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। पाइपिंग मेन होती है ब्लाउज़ में, पाइपिंग अगर फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए हमारी यहाँ पाइपिंग पूरी बनकर तैयार है और ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। पाइपिंग से ही ब्लाउज़ की फिनिशिंग आती है उसकी गले की। तो देखिए इस तरह से दोनों भाग में हम पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए इस तरह से गले के दूसरे भाग में भी हमने इसी तरह से पाइपिंग लगा ली है। हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसके बाद हम इसे बैक पार्ट में जोड़कर ब्लाउज में स्लीव्स लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।